संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अंबाला के शंभू बॉर्डर पर भारी मात्रा में किसान एकत्रित हुए। इस दौरान किसानों ने होलिका दहन के साथ ही कृषि कानून की प्रतियां जलाकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। आपको बता दें कि किसानों का कहना है कि जब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा तब तक सभी त्योहार ऐसे ही आंदोलन स्थल पर मनाए जाएंगे। इसके साथ ही किसानों ने कहा कि बॉर्डर पर आंदोलन करते हुए 4 महीने हो चुके हैं और 300 से ऊपर किसानों की जान चली गई है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द तक नहीं कहा। 11 मीटिंग हो जाने के बावजूद भी कोई हल नहीं निकला। किसानों ने कहा कि कल जो पंजाब में किसानों द्वारा विधायक का हिंसक विरोध किया गया था उसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन सरकार से यही निवेदन है कि सरकार को जल्द से जल्द कृषि कानून को वापस ले लेना चाहिए। अगर ये सरकार कह रही है सारा देश एक मार्केट, कहीं भी अपना सामान माल बेचो किसान, तो फिर रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब रह गया, पर्ची का क्या मतलब रह गया? हम कोई पाकिस्तानी थोड़ी हैं, पाकिस्तान से थोड़ी लेगा यहाँ कोई। पंजाब का लेगा वो भी तो हिंदुस्तान का ही है ना, राजस्थान का लेगा वो भी हिंदुस्तान का है। हम तो हरियाणा के नुमाइंदे हैं, हरियाणा के वासी हैं, हमें हमारा आधार कार्ड देख लो, रजिस्ट्रेशन की क्या जरूरत है? कोई दुकान से खरीद के थोड़ी बेचूंगा मैं, अपने खेत से ले आके बेचूंगा। ज़्यादा मेरा आईडी प्रूफ चाहिए, मेरी फैमिली आईडी ले लो, आधार कार्ड ले लो, इसका क्या मतलब? तू 20 क्विंटल लिया तो 30 क्विंटल लिया, जितनी हमारे पास होगी एकदम लेके आएंगे, एकदम बिकनी बिक खरीदनी पड़ेगी सरकार को, नहीं मजबूर कर देंगे। जैसे पहले जीरी के अंदर मजबूर किया सरकार को, अपना कदम ये उठाने के लिए हम मजबूर कर देंगे सरकार से। हमें निवेदन है सरकार से, जिस तरह जीरी हमने डंडे के जोर पर पकवाई, ये हमारा जोर ना देखे। ज़्यादा करते हो फैमिली की मुखिया का आधार कार्ड देख लो, हरियाणा का निवासी है, वो जितनी कणक ले गया उसकी कणक उठनी चाहिए मंडी से, हमारे निवेदन है। पेमेंट 48 घंटे में करो, 72 घंटे में, जे फार्म हमारी जेब में उसी दिन पड़ना चाहिए जिस दिन हमारी कणक आई है। हम सड़कों पर नहीं रुलेंगे, सड़कों पर रुल रहे हैं, मंडी में नहीं रुलेंगी। अगर सरकार अगर ये चाहती हो ना, इनको आंदोलन से उठा के हम मंडियों में 10-10 दिन लुवाएंगे, 4-4 दिन लुवाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे हम बिल्कुल भी। आगाह करते हैं सरकार को, जिस दिन जिमीदार की कणक मंडी के अंदर आए उसी दिन उसकी भर्ती हो, जे फार्म उसकी जेब में पड़े, पेमेंट आप 48 घंटे में दो, 72 घंटे में दो, हमें इस पास का कोई इतराज नहीं है। 48 घंटे कहते हैं शुक्रिया, लेकिन ये वादा कागजों में ना रह जाए, हम ये निवेदन करते हैं सरकार से। ये जो पर्ची वाला सिस्टम है ये मुख्यमंत्री जी अभी कैंसिल कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा आईडी फैमिली आईडी बन गया सभी किसानों की, सभी परिवारों की, वो मांग लें, सिर्फ उसका नंबर वो मांग लें, वो हरियाणा का ही नुमाइंदा, हरियाणा का ही बसिंदा होगा, मैं किसी से खरीद के मंडी में बेचने नहीं आऊँगा। ठीक है, क्या कार्यक्रम मनाया गया आज? होली दहन है और हमने संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर होली में जो काले कानून की प्रतियां थी वो जलाई हैं और हमने काली होली मनाई है, और आगे भी हम सभी त्यौहार इसी तरह मनाएंगे जब तक सरकार ये तीनों काले कानून वापस नहीं करती और MSP गारंटी कानून नहीं बनाती। ये ऐसे ही चलेगा, जैसे जैसे संयुक्त मोर्चा काल देगा ऐसे ही चलेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ इलेक्शन है बांग्लादेश और जहाँ भी इलेक्शन है वहाँ की आपको याद आ रही है, वहाँ आपको ये भी पता है रैली में जाना है, और 4 महीने से किसान सारी ठंड में और आगे अब गर्मी आ गई है, गर्मी के अंदर दिल्ली बॉर्डर में बैठे हैं। आपने आज तक उनके हक के अंदर दो शब्द नहीं कहे। जब पीछे से 11 मीटिंगें हो चुकी हैं और 11-12 मीटिंगों में कोई हल नहीं निकला। कल जो पंजाब में विरोध हुआ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कल जो विरोध पंजाब में हुआ है हम उसकी निंदा करते हैं, पर अगर सरकार ना मानी तो हरियाणा में विरोध ऐसे ही होगा। हम इसीलिए सरकार से हाथ जोड़ का बेनती करें, बार बार अब तक हमने हाथ ही जोड़े हैं, हमने नहीं किसी को कुछ भी कहा, और अब भी हम हाथ ही जोड़ रहे हैं।
कि जो किसानों के हक हैं उनके हक दिए जाएं, हक मांगना सबका अधिकार है। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।